पे आ रही है वो भी आप देख सकते हैं कि सब कुछ शांत है। कुछ एक प्राइवेट बसेस जो है वो चल रही है और इमरजेंसी कमोडिटीज के जो लोग अपने अपने कामकाज के वजह से निकले हुए हैं वो निकले हुए हैं और बाकी सभी, लेकिन उतनी भीड़ भाड़ आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगी कि ऐसी कोई सी स्थिति कि यहाँ पर कि लोग निकले भी हुए हैं। वनस मोड़ से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सिलीगुड़ी शहर में इस बीच अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो कभी कम भी रहे हैं, ऐसी मिली जुली असर जो है वो देखी जाती है। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक या दो दिन ही ज़्यादा मामले आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं, कभी कभी रिपोर्ट सामान्य रहती है, कभी कभी एक बार से उछाल मारती है और 100 के पार हो जाती है। और अगर हम कहें कि पूरे पश्चिम बंगाल की बात, तो जिस तरीके से बंगाल में भी इन दिनों कोरोना की दड़ें बढ़ रही हैं और इजाफे हो रहे हैं उसको देखते हुए, लेकिन बंगाल सरकार ने ये बड़ा कदम लिया है कि 20 सितंबर तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है जो कि अगस्त महीने तक ही था। और इस सितंबर महीने में जो लॉकडाउन की डेट रहेंगी वो है 7, 11 और 12, ये लॉकडाउन का डेट है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए, लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। सभी गाड़ियों की लेकिन चेकिंग हो रही है, उसके बाद उनको आगे जाने के लिए अनुमति।